अच्छा खुर्रम साहब, तीसरा आपका जो तीसरी जो आपकी तहकीकी किताब है दानिशमंद, उसमें आप जैसे इब्ने सबी साहब के बहुत सारे नॉवेल वो थे जो सिलसिलेवार थे, जिसमें तो मशहूर जमाना शोलों का तो सबको पता है कि पहला शोला, दूसरा शोला और तीसरा शोला, वो शोलों का नाच से शुरू हुआ था सारा सिलसिला। अब उस तरह के जितने सिलसिले थे उन सब का तजिया आपने अपनी, मेरे ख्याल से उसमें तकरीबन 9 के करीब चैप्टर्स हैं उस किताब में, और इन तमाम सिलसिलों को आपने उसमें ब्रीफ किया है। तो अगर इसमें से जैसे टॉप 3 अगर हम देखना चाहें कि कौन से सबसे ज्यादा आपको पसंद आया जो सिलसिलेवार इनका जो नॉवेल थे इब्ने सफी साहब के, तो उसमें आप क्या कहेंगे? तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। कुछ तो कहना पड़ेगा। ये 9 सिलसिले मिलकर एक मुकम्मल मुकम्मल हकीकत को पेश करते हैं, और इन इन्हें इस तरह से देखना मुश्किल है कि कौन सा ज्यादा अहम है, कौन सा नहीं है। ये सिलसिला ही कुछ और है, वो अच्छा मैंने चलो दानिश ठीक है मंजिल ठीक में इसकी बुनियाद रखी है। ये सिर्फ देख लीजिए कि ये 9 किताबें हैं, ठीक है ना, 9 9 नॉवल्स हैं जो इस दानिश मंजिल में। इब्ने सफी के वो नॉवल जो 4 या 4 से ज्यादा हिस्सों में, वो मैंने इसमें 9 किताबें इकट्ठी की हैं। सही। अल्लामा इकबाल की शेरी तसानीफ कितनी है बताइए। हाँ, आप नहीं है अहमद भाई। अब तो बता दिए 9 ही है। प्रॉम्प्टिंग हो गई थोड़ी, कोई नौ बात है, नहीं, चीटिंग नौ हो है। गई। तो अब महज इत्तेफाक है या नहीं है, या जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक नई किस्म की सोशल साइंस है। सही कह रहे हैं आप। मैंने दानिश मंजिल बताया कि ये क्यों ये इत्तेफाक है या नहीं है, या अल्लामा इकबाल के उन 9 9 9 किताबों का हवाला नहीं दिया, वो मैं आइंदा बताना चाहता हूँ। दानिश मंजिल में मैंने आपको वो बुनियादी बातें फराहम की हैं, जो पहले आप पढ़ लीजिए, तो फिर हम इस पर कभी गुफ्तगू कर सकेंगे कि अल्लामा इकबाल की 9 शेरी तसानीफ का इब्ने सफी के इन 9 नावलों के साथ क्या ताल्लुक है, और फिर बिल्कुल, उसका हमारी जिंदगी के साथ। इस पर तो एक अलग नशिस्त जो है इंशाल्लाह फिर मुस्तकबिल में अरेंज करेंगे। अच्छा एक चीज शायद मुख्तसर सी ये कहना चाहूंगा कि तीन जी संकी इन 9 नॉवलों में से वो है जो आज के हालात के साथ सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, और तकरीबन 2026 तक वो इसी तरह रेलिवेंट रहेगा। अच्छा 2027 से एक और नॉवल के वाकयात आपको बिल्कुल उसी तरह अपने अतराफ में होते नजर आने लगेंगे, जैसे आज आप सही देखते हैं कि तीन संकी में जो कुछ लिखा है वो आपको लगता है हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। ये 2026 तक चलना है सिलसिला। सही 2027 से एक और नॉवल शुरू हो रहा है। अच्छा अच्छा इसमें मैं एक आपको साइड साइड ब्रैकेट में ये करूं कि ये सिर्फ खुर्रम भाई नहीं कह रहे, हमारे एक सहाफी थे जैयद मुक्तदा मंसूर साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने आमीन। भी 2009 में या 10 में, मेरा ख्याल है खुर्रम भाई शायद, उनका एक एक्सप्रेस अखबार में एक कॉलम छपा, और उन्होंने उसमें ये कहा कि ये 75 साल पहले, यानी इतने साल पहले, 40 साल पहले इन्होंने कैसे लिख दिया था, या 1975 में या 76 में ये चीजें लिख रहे थे, तो ये तो सब अब यहाँ पे हो रही हैं, तो क्या किसी ने लिखवाया था इनको, कैसे हुआ, और ये तो एक बड़ा उन्होंने अचंभे का इजहार किया था, और उन्होंने वो सारे रेलिवेंट चीजें थी उस कॉलम में लिख दी थी। लेकिन उनका ये ख्याल था कि शायद क्या ये किसी एजेंसी ने इनसे लिखवाया था, बहुत दफा होता है कि जी आने वाले वाकयात को करने के लिए, दिखाने के लिए, तो मतलब बाद में मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा उनका यह कतई मकसद नहीं था कि वो कह रहे थे कि एजेंसीज ने लिखवाया, मगर वो ये कह रहे थे कि एक हैरत कि ऐसा कैसे हो सकता है इस हद तक रेलिवेंट, जो अभी खुर्रम भाई कह रहे हैं कि 2026 तक। तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि अगर आपको दिलचस्पी है या आप में कोई एकदम ट्रिगर होती है चीज, तो आप जाके उसको देख लें, ये बिल्कुल किताबें सही, अवेलेबल हैं, पढ़ें उनको, बड़ी बड़ी बिल्कुल दिलचस्प चीज है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब मैं ये और जैसे प्रोग्राम मैंने किया कहा हुआ जी, कुछ कह रहे हैं खुर्रम साहब? एक सोशल साइंस, एक नई सोशल साइंस है, ये लफ्ज जरूर जहन में रखिए ताकि जहन दूसरी तरफ ना चला जाए। सही सही सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मैं जब ये प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था तो वही बात है जो आपने बात की कि कैडिलैक देख के वो साहब जज्बाती हो गए थे, तो वाकई मुझे भी मतलब जैसे वो नानी हमारी थी जिनके जरिए से हम मुतारिफ हुए इस अदब से, और फिर वो फेडरल बी एरिया शरीफाबाद में एक लाइब्रेरी थी जहाँ से पहले हम किताबें लाते थे, फिर दस्तगीर सोसाइटी में एक अजीम लाइब्रेरी थी वहां से हम किताबें लाते थे, तो वो सारी चीजें जो है वो आपको रिकॉल होना शुरू हो जाती है फिर, तो वो एक बड़ा एक मतलब जज्बाती सीन हो जाता है फिर वो। अच्छा, अब इसमें मैंने एक आखिरी सवाल रखा था लेकिन वो सवाल आप लोगों की इस गुफ्तगू ने जो है वो इररेलीवेंट कर दिया है, क्योंकि मेरा वो सवाल ये था कि क्या मौजूदा दौर में भी इब्ने सफी साहब की तहरीरें उतनी रेलिवेंट है, लेकिन हमने इतनी बात की कि वो मेरा सवाल ही इररेलीवेंट हो गया। तो मैं अब उसको छोड़ के और हाजरीन जो हमारे हैं और जो कमेंट्स वो दे रहे हैं और जो सवालात वो पूछ रहे हैं, मैं उनकी जानिब जाना चाहूंगा क्योंकि वक्त तो ऑलमोस्ट हमारा हो गया है, लेकिन चलें 10-15 मिनट हम हाजरीन के लिए भी मुख्तस करते हैं। अच्छा, अलीजा कमाल साहब है, वो कहती है मताए कल्बो नजर इब्ने सफी साहब की शायरी की किताब और उनका शायराना पहलू भी कुछ उजागर करें, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे अहमद भाई? ये बड़ा मेरे लिए तो बहुत ज्यादा जज्बाती टॉपिक है, और शायद खुर्रम भाई बताएं आपको कि जब इसकी रूनुमाई हो रही थी तो मैं चंद अल्फाज से ज्यादा नहीं कह पाया था, मैं बोल ही नहीं पा रहा था वहाँ। ये जब अबू का इंतकाल हुआ तो उनके मताए कल्बो नजर जो था वो तैयार था, मजमूए कलाम, लोग अक्सर नहीं जानते थे इनके वो शायर भी थे, क्योंकि असरार नारवी एक अलग शख्सियत थे, इब्ने सफ़ी एक अलग शख्सियत थे। असरार नारवी इब्ने सफ़ी से पहले एग्जिस्ट करते थे और बड़े मुशायरों में बड़े शायरों के साथ पढ़ते थे, और इनको मतलब काबिल एहतराम समझा जाता था उस वक्त, वामिश जवंतपुरी साहब और दूसरे बड़े शोरा मुस्तफ़ा जैदी साहब जो उस वक्त तेग़ल आबादी थे वो इनके दोस्तों में थे, और बड़े लोगों के साथ भी इन्होंने मुशायरे पढ़े, तो वो जान पहचान मतलब उस तरह से जाने पहचाने जाते थे। इब्ने सफ़ी ने इनको थोड़ा सा बैक बर्नर पर डाल दिया, ये लिखते रहे शायरी करते रहे वो आखिर तक आखिरी दौर तक की उन्होंने, फिर उन्होंने अपना आखिरी दौर में एक मजमूआ जो था वो तरतीब दे लिया था एक बाकायदा के कौन से नज़्म पहले गज़ल कौन सी और वगैरह वगैरह सारा करके। उस वक्त ये हुआ कि इसको शाया किया जाए इंतकाल के बाद 1980 में, तो कुछ लोगों ने उसको कहा कि हाँ इस वक्त बड़ा हॉट सेलर होगा ये, इसको आप करें बिकेगा खूब। वो हमारे लिए तकलीफ देह हो गया क्योंकि हम भाई बहन और वालदा हमने कहा कि ये तजारती तौर पर नहीं होगा ये काम, तो फिर हमने कहा कि जब हमारे पास होगा इतना कि हम छाया कर सकें, इतने वसाइल होंगे तो हम खुद करेंगे। किसी ने कहा था कि डाइजेस्टों में छपती रही है फिल्में बनी हुई हैं उनको जोड़ के हम फौरन किताब निकालते हैं और जनाब इसको भेजते हैं, वो मना कर दिया। हमने कहा कि ये तसर्रुन नाज़रीन होगा और उसके शायान शान शाये होगा वगैरह वगैरह। फिर ये अरसा खिजिया लम्हा, क्योंकि हम सब भाई जो थे अपनी तालीम के सिलसिले में लगे रहे, फिर कोई बाहर चला गया, भाई बड़े भाई थे इसार अहमद साहब मरहूम वो इटली चले गए पढ़ने, अब्रार भाई जो थे वो शिप पे चले गए, मैं खुद यहाँ पे पढ़ता रहा इंजीनियरिंग, फिर मैं बाहर चला गया, छोटा भाई भी इसी तरह अपनी मसरूफियात में रहा। फिर जब मैं वापस आया भाईजान ने कोशिश की इसको शाये कराने की, लेकिन वो भी उनको ज़िंदगी ने मोहलत नहीं दी, अचानक एक वायरस उस ज़माने में उनको लगा है, वो बहुत जल्दी 2005 में उनका एंगेज में इंतकाल हो गया था। फिर उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आया तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं सिर्फ यही नहीं कि जो अब बुक में कंपाइल कर दिया था वो, बल्कि मैंने फिर हासिल किया जो 40s की उनकी थी जंग अजीम के दौर की, जब वो 16-17 साल के थे उस वक्त की चीज़ें भी, वो सारी भी कंपाइल करके उसको इनकास तखयल के नाम से एक ज़मीमा उसका बनाया और सारा एक साथ फिर शाया कर दिया। तो इसको शाया होने में काफ़ी अर्सा लगा। इसका अब ये कि लोगों तक पहुंचा और अब ये लोगों को मालूम है कि उनकी गजलें और नज़में जो हैं वो अब जगह जगह हमें नज़र आती हैं, और क्या कहते हैं उसका जो एक मकाला जो है पंजाबी यूनिवर्सिटी में लिखा गया है उसके ऊपर, वो एमए का था तो वो एक आया है, और बाकी भी जगह पे काम लोग कर रहे हैं मुख्तलिफ उसके ऊपर और हवाले मिलते रहते हैं। तो ये एक उनकी शख्सियत का पहलू था, जो कह गए वही ठहरा हमारा फन, जो कह ना पाए न जाने वो चीज़ क्या होती।
तो एक बड़ा दिलचस्प उनकी जिंदगी का और उनकी शख्सियत का पहलू है शायरी उनकी। सही सही सही। कुछ कमेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं। फहद हुसैनी साहब हैं, कहते हैं माशाल्लाह बहुत उम्दा इब्ने सफी साहब के मुतालिक, उनके फर्जंद जनाब अहमद सफी साहब को देखकर बहुत अच्छा लगा, और माहिर इकबालियात फुर्रम अली शकीक साहब भी शामिल हो रहे हैं, बहुत खुशी हुई देखकर। अच्छा, इब्ने सफी सरी अदब के बेताज बादशाह महमूद अदील साहब कह रहे हैं, अहमद कमाल फरीदी ऐसा किरदार जिसने उर्दू अदब में हीरोइज्म की बुनियाद डाली। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे मेरे पास आया है, मुझे मुझे तो इसका बैकग्राउंड इतना नहीं पता, क्योंकि मेरे लिए तो इब्ने सफी को पढ़ना कभी इतना मुश्किल साबित नहीं हुआ। फजलुर रहमान साहब हैं जो कहते हैं, मुझे और मुझ जैसे बहुत से लोगों को बताया गया कि इब्ने सफी को पढ़ना बहुत मुश्किल है, लिहाजा एक मुतबादल लिखारी से रोशनास कराया गया जो कि पढ़ने में बाकी आसान, और बहुत सारे लोग उनको अब भी पढ़ते हैं, ऐसा क्यों है? तो मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं लगती। खुर्रम साहब, आप क्या समझते हैं इस सवाल के बारे में? मुझे भी नहीं लगती, हाँ, मुझे है, भी क्योंकि जब भी हमने पढ़ा तो हमें तो कतन कोई ऐसी मुश्किल चीज उसमें। नहीं। देखिए, जिन्होंने ये सवाल पूछा है उनके सवाल से मुझे लगता है कि उन्होंने अभी तक इब्ने सफी को पढ़ा नहीं है। ये हो सकता है, वो हाँ ट्राई करके देखिए, ये गलत गलत बताया है आपको किसी ने। इब्ने सफी बिल्कुल पढ़ना मुश्किल नहीं है, और जितना कुछ मुझे उर्दू जबान के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है और जिस तरह से तरक्की कर रही है मैं देख सकता हूँ, अभी 100 साल तक तो मजीद वो आसान ही रहेंगे कम से कम। बिल्कुल सही। तो फजलुर रहमान साहब को हमारी यही एडवाइस है कि आप जरूर अदीब ऑनलाइन पे इब्ने सफी साहब के पहले नॉवेल से शुरू हो जाएं, दिलेर मुजरिम से, और फिर पीछे मुड़कर ना देखें। अच्छा, इसमें एक और भी कमेंट मेरे पास आ रहे थे, ये मैं पूछना चाहूंगा। अच्छा, मोहम्मद हनीफ साहब का कमेंट आया, अहमद भाई के तबसरे ने बकौल खुर्रम अली शफीक हमें भी जज्बाती कर दिया। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इब्ने सफी ने अपने नावलों के जरिए कारी की जिस तरह तरबियत की, इसका असर ताहयात कायम रखा। ये तो मेरे ख्याल से इब्ने सफी .org या .info वाले मोहम्मद हनीफ साहब। डॉट इन्फो के जी, हाँ, बिल्कुल मैंने सारी जो इस वक्त ऑफिशियल इब्ने सफी साइट है वो इब्ने सफी .info है, वन वर्ड। और हनीफ भाई इसको कई बरसों से वो उसको मेंटेन कर रहे हैं और चला रहे हैं, लेकिन यही ये इनका खाली ये क्लेम टू फेम नहीं है, मतलब ये इस साइट को मैनेज करना है चलाना, ये खुद एक मुहक्किक है इब्ने सफी पे। और मुझे और खुर्रम भाई भी मेरी तायीद करेंगे कि हमें कहीं हम फंस जाते हैं तो हम इनसे जाके तारीखों के बारे में और किताब के कंटेंट्स के बारे में, और ये फौरन उनसे इंफॉर्मेशन मिल जाती। चंद लोग ऐसे हैं जिनको हम हाफिजी ने इब्ने सफी कह सकते हैं, उफाद उनमें से ये एक हैं। और हमेशा मतलब ये समझिए कि अहले खाना में से हैं, और बहुत ही मुखलिस और बहुत मोहब्बत करने वालों में से हैं इब्ने सफी के। इनकी वजह से जो परस्तान हैं उनको बहुत कुछ चीजें मिल गई, हमें मिली, हमें भी सही मिली, इन्होंने शेयर की और जो इन्होंने जमा करके रखी है अपनी सारी जिंदगी। तो एक बहुत अहम परस्तार हैं इब्ने सफी के। आखिरी सवाल लेने से पहले मैं क्विकली दो चीजें जो मैं इस पूरे प्रोग्राम में डिस्कस डिटेल में तो नहीं कर सकेंगे जाहिर है, लेकिन मैं सिर्फ नाजरीन को ये दो चीजें बताना चाहूंगा कि एक तो जो अली इमरान के जरिए से इब्ने सफी साहब ने दो मुख्तलिफ मिस्रों को यकजा करके एक शेर बनाने का जो एक उसमें मुतारिफ कराया था, कुछ नॉवेलों में ऐसा है बिल्कुल, जो आज बहुत सारे लोग उसको समझते हैं कि शायद वो यूसुफी साहब ने अपनी किताबों में वो पहली दफा यूज की थी वो तरकीब, लेकिन वो उससे बहुत पहले इब्ने सफी साहब अपने नॉवेलों में इस्तेमाल कर चुके थे, अली इमरान की जुबान से उन्होंने वो अशार सारे कहलवाए थे। एक तो वो चीज, और दूसरा जो इसमें जो जो फिक्र अंगेज जुमले जो इब्ने सफी साहब के, अगर उन पे हम बात करने बैठे हैं तो मेरे ख्याल से उसके लिए तो और मजीद कई घंटे चाहिए होंगे। तो वो भी आप इब्ने सफी डॉट इन्फो पे जाके एक सेपरेट उसमें सेक्शन भी बना हुआ है जहाँ आप उन इस तरह के जुमले पढ़ सकते हैं कि जो आपको दावत फिक्र देते हैं, और जब आप जाहिर किताबों का मुतालिया करेंगे तो उस दौरान में भी आपको बहुत सारे ऐसे जुमले हैं जो आपको एकदम से जाके जो है ना बिल्कुल हिट करते हैं, जो आप कहते हैं कि यार ये क्या बात कर दी मतलब। तो वो चीजें ऐसी हैं कि जब तक आप वो किताब पढ़ेंगे नहीं, और उसके साथ साथ जब आप खुर्रम साहब की 3 किताबों को नहीं पढ़ेंगे तो वो उसका मजा आपको आएगा नहीं। पूरा मजा अगर आपने उठाना है तो खुर्रम साहब की तहकीक भी पढ़ें और उसके बाद इब्ने सफी साहब की वो किताबें भी पढ़ें। तो एक सवाल और आया है,
जिसमें वो एक अंबर हुमैर साहिबा हैं गालिबन, या ये पूछती हैं कि पहले जासूसी नॉवेल पढ़ने और लिखने का बड़ा रुझान था, अब मौजूदा दौर में ऐसा क्यों नहीं? तो इस पे खुर्रम साहब, अहमद साहब क्या कहना चाहेंगे? खुर्रम भाई आप कुछ कहेंगे, फिर मैं तो प्रैक्टिकल बात बताऊंगा जो है, आप बताइए। मैं समझता हूँ, मैं इसका जवाब पहले दे चुका हूँ कि हर जमाने में मुआशरे की एक ज़रूरत होती है। जिस जमाने में जासूसी नावल ज़रूरत थी, सबको लिखने का शौक़ हो गया था, वो ज़रूरत इब्न सफ़ी पूरी कर चुके हैं। अब जाहिर है कि मेरा बचपन से इब्न सफ़ी को पढ़ने की वजह से सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि मैं भी एक जासूसी कहानी लिखूँ। मैं क्यों नहीं लिखता, इसलिए कि वो मैं समझता हूँ कि इब्न सफ़ी वो ज़रूरत पूरी कर चुके हैं। आप अगर मेरी अल्लामा इकबाल के बारे में किताबें देखिए, मैं हमेशा इब्न सफ़ी के स्टाइल में लिखने की कोशिश करता हूँ। वो शायद लोगों को इसलिए महसूस ना होता हो कि मेरी किताबें रिसर्च ओरिएंटेड होती हैं, वो जासूसी नावल हैं, लेकिन अगर कोई इस नज़र से देखेगा तो उसे अंदाज़ा होगा कि शायद मेरे कलम से कभी कोई जुमला ऐसा ना निकला हो जिसे लिखते हुए मैं तकरीबन शौरी तौर पर वो इतने सफ़ी सामने ना हो। तो उनका असर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जासूसी नावलों के ज़रिए ही जाहिर हो, वो किसी और रास्ते से भी हो सकता है। आज की ज़रूरत क्या है, पहले इसका तायुन कीजिए और फिर उसके मुताबिक कुछ कीजिए। तो मैं ये कहूँगा, मैंने पहले भी इशारा किया था कि सोशल मीडिया का आज जिस तरह से लोगों को जुनून है, वो बाज़ औक़ात गलत सिमतों में भी ले जाता है, लेकिन उसका एक सही मकसद और मसरफ है जो अभी हमने दरियाफ्त नहीं किया है। जब हम कर लेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये भी बड़ी अच्छी एक इससे कुछ चीज़ें इससे काम लिया जा सकता। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो एक ख्याल उठता है कि शायद ये पढ़ी नहीं जा रही है इब्न सफ़ी की, या कोई भी जासूसी नावल नहीं पढ़े जा रहे हैं, तो इस पर एक छोटा सा मैंने तजर्बा किया था। उसमें ये था, मैंने एक दिन फेसबुक पे गया और मैंने जाके अपने स्टेटस पे लिखा शिपलाली और बंद कर दिया मैंने। तो मेरे दोस्त थे, मैं अक्सर ये वाकया सुनाता हूँ, अब भी वो हंसते हैं। वो मेरे पास आए ऑफिस में, उन्होंने कहा कि आज आपका स्टेटस देखा, वो फॉलो करते थे मुझे, कहने शिपलाली क्या है यार? मैंने कहा लंच तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या है। लंच तक जनाब शिपलाली पे वहाँ सैकड़ों कमेंट्स आ गए और लोगों ने बताया कि कहता था कैसे जोसेफ घूमता था और उसको खाता था तो उसमें नशा हो जाता था और उसमें था। फिर लोगों ने ये भी बताया कि ऐसी एक चीज घास जो है फला जगह पाई जाती है, और पूरे नक्शे देखे गूगल के सब उन्होंने कर दिया। तो मैंने ये किया, उससे अगले दिन जो था वो मैंने लिख दिया फेक राज। वो फेक राज क्या चीज है? नहीं, फिर आप नई नई चीजें लिख रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। तो मैंने कहा ये भी आप वेट करें, उन्होंने वेट किया और फेक राज के भी ऊपर पूरी एक वो आ गई तहकीक। बहुत सारे लोगों ने कहा फेक राज क्या होता है जी, ये उनका उड़न तश्तरी टाइप की चीज है जो उनकी है, क्या कहते हैं जीरो लैंड वालों की। उससे अगले दिन तो कमाल हो गया, यानी लोग नाराज हो गए बल्कि कुछ लोग। तो मैंने लिखा धमक सटक फजू फजा फसू लबम लबम पुली वकुल दनी वकुल फहूत ना कलम कलम नमूज दम ददम और नजर खुमी खुमी नजर घुमी घुमी नजर सुमी सुमी। वो काफी सखा और सीरियस लोगों ने कुछ पूछा कि ये क्या है, मुझसे फिर वही आज तो आपने कमाल कर दिया, अजीब गरीब चीज लिखी है आपने। मैंने कहा इसका भी मिल जाएगा आपको, सहपहर तक इंतजार कर लें। सहपहर तक वहां पे उस्ताद महबूब नारे आलम की पूरी सवान हयात और ये वो सब पोस्ट हो चुकी थी। ठीक है, अगले दिन मैंने कौन कह रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा था जासूसी अदब, नहीं पढ़ा जा रहा, ये जो कौम जिसने ली, ये एक अजीब फिनोमेनन है। और वो उन्होंने अपने लिए नाम तजवीज कर लिया, एक दूसरे को सफियाने कहते हैं। अभी कुछ सफियाने मिले किसी और शहर में, वो सब इकट्ठा हुए और उन्होंने चाय पी और किया और अपनी तस्वीरें डाली, आगे बढ़ गए, सफियाना कहते हैं वो, और वो एक दूसरे से बात कर। किस उर्दू के नसर निगार के लिए इस तरह से कि उसके नाम से वर्ब बना लिया गया कि बना लिया गया नाम के सफियाने हैं ये। तो ये चीज आपको बताती है कि मीडियम बदल गया है। जो मैंने आपसे कहा ना मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो उनको वो पीडीएफ हटाएं, वो पीडीएफ बेचारे पढ़ रहे हैं, कहीं से भी ला रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, पढ़ी जा रही है।
वो जो किताब बस्ते में छुपा के और पढ़ते थे वो मतलब पहले, अब वो दौर गया। वो उस अब जो पल्प फिक्शन या उसकी किस्म पीडीएफ की फॉर्म में भी आई थी, यहाँ भी उसको डिस्प्लेस करने के लिए इब्ने सफी का ही लिटरेचर आ गया है। और वो फिक्शन जो था, लोगों ने शुरू में, मैंने उसकी बड़ी कोशिश की कि भाई ये इलीगल है या ये कॉपीराइट का मसला है। फिर खुर्रम भाई जैसे मुखलिसीन ने मुझसे कहा कि भाईजान आके आप बंद करें, इस वक्त लोगों को जरूरत है ये पढ़ने की। तो मैं उसको एंडोर्स नहीं करता, मैं उसकी तशहीर नहीं करता कि कहाँ से मिलेंगी या क्या होगा, लेकिन अगर लोग पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ें, आपके पास आए तो ज्यादा अच्छा पढ़ने को, उनके सही आंखों के ऊपर वो बार नहीं होंगी। तो ये जो बात है कि ये जासूसी लिटरेचर नहीं पढ़ा जा रहा, पढ़ा जा रहा है, अभी पढ़ा जाता रहेगा। ये तो वो नस्ल है जिनके बड़ों ने इनको इस पे लगाया, और बहुत बहुत काबिल परस्तार हैं ये सारे। इन्होंने किताब मतलब पूरे पूरे मजामीन लिखे हैं, खतूत लिखे हैं अब्बू को, पोस्टमसली जिसको कहते हैं ना, वो एक मुकाबला कराया कि ये खत लिखे जाएंगे अब्बू के लिए, मतलब इब्ने सफी साहब के लिए। तो उन्होंने कहा आप जज हो, या वो जज थे, वो वोटिंग हो रही थी, उन्होंने कहा कि चार खतूत के आप जवाब दे दीजिएगा उनमें से किसी। उन्होंने कहा पढ़ लेंगे, दो चार खत आएंगे, 64 खतूत वहां पे जमा हो गए जो से उनके परस्तारों ने लिखे, अलग अलग लोग हैं। तो आप ये देखिए कि अगर ये एक वो हिस्सा है जो सिर्फ फेसबुक पे मौजूद है, तो फेसबुक के बाहर कितने पढ़ने वाले हैं, जा रहा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आज भी उर्दू जो है वो पढ़ी जा रही है इस तरह से। ये है, ये बिल्कुल थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मोड चेंज हो गया है बस। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक क्वेश्चन आया है सर जी, कुछ कासिम के किरदार पर रोशनी डालें, तो इनको हम यही कहेंगे कि आप राना पैलेस पढ़ें, उसमें कासिम रजा का मुकम्मल तज़िया मौजूद है, तो आपको मिल जाएगा, अदीब ऑनलाइन में ये किताब मौजूद है और आप वहाँ पढ़ सकते हैं। और वाकई मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं खुद एक कारी रहा हूँ इब्ने सफी साहब का, और मैंने नहीं ये कभी सोचा था कि मतलब मैं इन किताबों के ऊपर इस तरीके से काम करूंगा, और इस तरह से एक प्रोग्राम होगा जिसमें आपसे जो है बिलमुशाफा मुलाकात हुई मेरी, और फिर इस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं। तो बाकी ये मेरे लिए भी और हम सब की अदीब ऑनलाइन की पूरी टीम के लिए ये बहुत एजाज की बात है कि हमारे जरिए से ये लिटरेचर दुनिया भर तक पहुंच रहा है। और नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, हमने पूरी कोशिश की कि हर मुमकिन जाविये से इब्ने सफी साहब की शख्सियत पर भी बात करें, उनकी तहरीरों पर भी बात करें, लेकिन जाहिर है वक्त मुख्तसर होता है। हमारी लाइब्रेरी में तकरीबन 100 किताबें अभी तक शाया हो चुकी हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले चंद माह में मुकम्मल सेट जासूसी दुनिया और इमरान सीरीज का जो है वो अदीब ऑनलाइन में मौजूद हो, और आप ये ऐप डाउनलोड करें, किताबें पढ़ें और सब्सक्रिप्शन भी लें, ताकि हमारा ये सिलसिला आगे बढ़े और हम इसको मजीद वसअत दे सकें। अहमद सफी साहब, आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने वक्त निकाला, और ये मैं कहूंगा खुर्रम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ये अपनी नौईयत का मतलब लाइव सेशन मेरे ख्याल से शायद पहला ही हो इस हवाले से, मुझे कुछ पता नहीं है, शायद और भी सेशन हुए हों, लेकिन हमारी ये एक तरह से एजाज की बात है कि अदीब ऑनलाइन के फोरम पे हमने बात की और इतनी किताबें हमारे पास उनकी मौजूद हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शिरकत की, नाजरीन जितने देखने वाले हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक नए लाइव प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें, हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।